नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। और जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा राग कलावती, राग कलावती का लहरा हम इस पे सीखने वाले हैं। और लहरा जो है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि लहरा जो होता है, अगर उसका बार बार हम अभ्यास करते हैं तो जो वो संबंधित राग है वो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। क्योंकि लहरे के अंदर किसी भी राग के जो फ्रेजेज होते हैं, लाइक उसका आरोह अवरोह और पकड़ जो होता है, उसको बार 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 बीट के साथ में संगत की जाती है, तो वो चीज़ बार बार अपनी उंगलियों पर भी आता है, दिमाग में भी आता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, मध्य सप्तक की पहली काली, यहां से मैंने आरोह अवरोह किया था, सागा पाधा नी धा सा, और अवरोह में हम आए थे सा नी धा पा गा सा। ठीक है, इस लहरे की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत बढ़िया ऐप के बारे में, जिस ऐप का नाम है रियाज ऐप। और ये जो ऐप है, इससे अगर आप रियाज करना चाहते हैं, बहुत सारे जो म्यूजिक के अलग अलग पार्ट हैं, लाइक हिंदुस्तानी, क्लासिकल, बॉलीवुड, कर्नाटिक, कोई भी कैटेगरी में आप इसमें सीखना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, अपने सुर को एक पहचानते हुए कि हाँ मेरा सुर एक प्रॉपर रेंज में लग रहा है, आप इस रियाज ऐप के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप एक बार देख सकते हैं। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में देखें, वीडियो के नीचे इसका डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है और एक प्रोमो कोड भी है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं और उस प्रोमो कोड का अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% इसका जो एनुअल फीस है उसके अंदर आपको प्रॉफिट होता है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया ऐप है, आप इसको एक बार इंस्टॉल करके और इसको समझना जरूर, देखना जरूर। तो अब हम आते हैं लहरा पर। लहरा के जो नोटेशन हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो लहरा है उसके सुरों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत होती है तार सप्तक के सा से। जो सा है वो तीन बार रहेगा पहले, ठीक है, और उसके बाद में तीन मात्रा पर सा, चौथी मात्रा पर। आप अगर नोटेशन देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में नीचे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक मात्रा पर है सा गा सा, और ये गा जो है अगले तार सप्तक का है। तो क्या हुआ, चार मात्रा पर सा 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 गा सा नी धा पा, नीचे आ गए नी धा पा गा पा नी धा पा गा सा नी सा, मंद्र सप्तक का नी सा गा पा नी धानी पादा सा, ठीक है। तो ये जो धानी पादा है ये भी एक मात्रा पर है, ठीक है, यहाँ पर एक सेट है, एक गापा निधा है ये भी एक मात्रा पर है, और एक सागा सा है ये भी एक मात्रा पर है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल स्लोली प्ले करके दिखाता हूं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका फ्लेवर अगर चेंज करें तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, एक ट्यून है उसमें, ये जो मैंने सुर बताए हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं सुरों को, मतलब कि जैसे मैं बजा रहा हूं, मैं सिखाने के हिसाब से बजा रहा हूं, जब आप इसको प्ले करेंगे तो थोड़ा बहुत नियर बाई कोई सुर है उसका भी आप टच ले सकते हैं, कण ले सकते हैं, खूबसूरती और निखर के आएगी, ठीक है। आगे मैं अगर आपको अगला जो टोन है उसके अंदर देखिए,
अब यहां पर देखिए मैं कर्ण ले रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। आप देखिए सितार पे, और फिर वही शुरू हो जाएगा। मैं एक बार आपको इसको बीट के साथ समझाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक ये बीट है बॉलीवुड, ठीक है, ठा, जहां ठा है वहां पे पकड़ लेना आपको और सा से शुरू कर देना है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको सुर बताए हैं उन्हीं सुरों को आप यूज करना है। आप नियर बाई कोई सुर है उसका कर्ण दे सकते हैं, उसका टच आप दिखा सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको गा कोमल का भी हल्का सा कर्ण लूंगा और रे शुद्ध का भी कहीं कहीं कर्ण लूंगा तो आपको समझ में आएगा, जबकि रे है नहीं राग कलावती में। मैंने यहां पर रे का यूज किया ना, अब वापस देखिए आप गा शुद्ध का भी हल्का सा यूज, गा कोमल का भी हल्का सा यूज कर सकते हैं। हल्का सा कर्ण लेकर के आपको जाना है, मैं सिखाने के हिसाब से आपको कर रहा हूं। जब बीट के साथ आप बजाएंगे तो बहुत खूबसूरती बनेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट करके जरूर बताइएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, धन्यवाद।